पोहरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री प्रहलाद भारती पहुंचे। खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी कॉलेज प्रांगण में खेलो इंडिया यूथ गेम्स एवं खेलेगा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रहलाद भारती पहुंचे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन युवा मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र धाकड़ द्वारा किया गया। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया। बता दें कि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रदेश के 8 शहरों में 27 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6000 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के रूप में प्रतिभाओं को उभारने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हो रहा है, आज ब्लॉक स्तर पे हुआ है, आप भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय स्तर पर ये गेम पूरे मध्य प्रदेश में खेले जा रहे हैं। इस खेल खेलो इंडिया 2018 से हमारे देश में प्रारंभ हुए थे। पांचवा संस्करण 2022 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 13 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश में चलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के पूरे खिलाड़ी 27 गेम्स 8 शहरों में खेले जाएंगे। खेलों के क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं उभर कर आएँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेलें, ये इस गेम का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमारी खेल मंत्री महाराज श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इसका आयोजक है। पाँचवें खेल संस्करण का खेलो इंडिया हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उसकी जन जागरूकता इस समय हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गांव में, कस्बों में, बड़े शहरों में ये कहा जा रहा है, हो रहा है। और ये यात्रा भी, टॉर्च यात्रा भी निकल रही है और आशा भी उसमें और कार्यक्रम होंगे। और हमारे 25 तारीख को सीपरी से चलकर ये यात्रा, टॉर्च यात्रा हमारे पोहरी में आएगी और श्योपुर पहुंचेगी। हम सब लोग, खेल प्रेमी लोग, खिलाड़ी लोग उसका स्वागत करेंगे और जन जागरूकता के माध्यम से इस समय हर जगह काम हो रहा, कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक लगातार 13 दिन मध्य प्रदेश इसका आयोजक होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ये गेम हमारे मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य मिला है, आयोजक है हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार, महाराज श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में इस आयोजक हमारा मध्य प्रदेश बना है। हमारे बच्चे मध्य प्रदेश के इन खेलों में मलखम्ब जैसे हमारे स्थानीय खेलों को भी लिया गया है, इसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर तक इसमें आगे बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी हमारे बच्चे देश की तरफ से भी खेलें, ये खेलों का उद्देश्य है।